वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाएंगे आटे का हलवा कड़ा प्रसाद गुरुद्वारे वाला। मेरी वीडियो रेसिपी पसंद आए तो शेयर और लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल बटन जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। कड़ा प्रसाद बनाने के लिए हमें जो इन्ग्रीडियंट्स चाहिए वो एक बाउल हमने आटा लिया है, वो मोटा आटा लेना है। एक बाउल हमने चीनी ली है, एक बाउल हमने देसी घी लिया है। चार गुना हम पानी डालेंगे। सबसे पहले हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है, उसमें हम डालेंगे देसी घी एक बाउल जो हमने नाप के रखा हुआ है। ये थोड़ा गर्म हो जाए, पिघल जाए, फिर हम इसमें आटा डालेंगे। पिघल गया है, अब हम इसमें आटा डालेंगे। आटे को अच्छे से चलाते हुए भूनना है। इसको चलाते रहना है ताकि ये नीचे लगे ना, जल जाएगा तो फिर टेस्ट खराब हो जाएगा। ऐसे करके हम भूनेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। गैस को कम ज़्यादा अपने हिसाब से करते रहे, कभी ज़्यादा कभी कम करके आटे को भूनना है अच्छे से। आटा अच्छे से भुन गया है, अच्छी खुशबू आ रही है, आटे ने घी भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी को कैरमलाइज नहीं होने देना, कैरमलाइज होने से पहले ही हमने पानी डाल देना है। थोड़ा सा भूनना है हमें। अभी हम इसमें डालेंगे पानी, धीरे धीरे गैस कम कर देंगे और धीरे धीरे डालेंगे, दूर रोके डालेंगे और चलाते रहना है ताकि इसमें लम्स ना आए। अब हम गैस को तेज कर देंगे। ऐसे चलाते रहना और ये बर्तन छोड़ देगा हलवा बिल्कुल। भूनेंगे हम इसको चार पाँच मिनट तक। हलवे ने बिल्कुल घी छोड़ दिया। देखिए अभी हमारा कड़ा प्रसाद बन के रेडी हो गया। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे, गैस बंद कर देते हैं। ये हमारा आटे का हलवा कड़ा प्रसाद बन के रेडी हो गया है, बहुत ही स्वादिष्ट बना है। मेरी वीडियो और रेसिपी पसंद आए तो शेयर और लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन जरूर दबाइए क्योंकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।